राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 108 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है, जिसमें 13 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। लेकिन चर्चा में टीना डाबी और उनके पति प्रदीप गंवाड़े हैं। दरअसल भजनलाल सरकार ने इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल पहली बार किया है। अब चर्चा हो रही है कि दोनों पति पत्नी प्रदीप गंवाड़े और टीना डाबी कलेक्टर लगाए गए हैं। टीना डाबी को जहां बाड़मेर, वहीं उनके पति प्रदीप को जालोर दिया गया है। पहली बार ऐसा है टीना डाबी और उनके पति दोनों एक साथ डीएम बने हैं। टीना डाबी 2016 बैच की आईएएस अफसर हैं, जो टॉपर रही हैं, काफ़ी चर्चाओं में रही, शादी से लेकर के तलाक, तलाक से फिर शादी। अतहर आमीन इनके पहले पति रहे, जो अब जम्मू कश्मीर जा चुके हैं। अब टीना डाबी फिर एक बार चर्चाओं में हैं। दरअसल अशोक गहलोत सरकार ने टीना डाबी को जैसलमेर का कलेक्टर बनाया था, उसके बाद से 2 साल से वो बाहर रहीं और अब फिर उन्हें एक बार बाड़मेर जैसे बड़े ज़िले को दिया गया है। वहीं जालोर जैसे बड़े ज़िले को प्रदीप गंवाड़े के यहाँ सौंपा गया है। टीना डाबी ने ये तस्वीरें डाली थी जब जैसलमेर में कलेक्टर थी, उन्होंने लिखा था अलविदा जैसलमेर। हालांकि टीना डाबी का फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया कुछ भी अभी अपडेट नहीं हुआ है, सब कुछ यथास्थिति में बना हुआ है। लेकिन अब टीना डाबी की इस पोस्टिंग के बाद एक बार फिर वो चर्चाओं में आ गई हैं। ये तस्वीर भले पुरानी हो, लेकिन काम करने का अंदाज टीना डाबी का हमेशा नया रहा है। फिलहाल इस बार उन्होंने कलेक्टर बनने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन मीडिया इस पर लगातार काम कर रही है। दरअसल कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। रामावतार मीणा को झुंझुनू, हरिमोहन मीणा को डींग, मुकुल शर्मा को सीकर, शुभम चौधरी को राजसमंद, आशीष मोदी को चूरू, अल्पा चौधरी को सिरोही, किशोर कुमार को खैरथल तिजारा, लोक बंधु को अजमेर, टीना डाबी को बाड़मेर, डॉक्टर मंजू को श्रीगंगानगर, अर्तिका शुक्ला को अलवर, डॉक्टर जितेंद्र सोनी को जयपुर का कलेक्टर बनाया गया है। इन सबके बीच में सिर्फ चर्चाओं में है तो एक जोड़ी जो टीना डाबी और प्रदीप गंवाड़े का नाम है, दोनों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। भजनलाल सरकार ने इन्हें फिर से एक बार बड़ा मौका दिया है। अशोक गहलोत ने अब टीना डाबी को डीएम बनाया था, तो उसमें प्रदीप गंवाड़े साइडलाइन पोस्टिंग में थे, लेकिन अब दोनों पति पत्नी बड़े जिलों की कमान संभाल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या परिणाम मिलता है, लेकिन इन दोनों की पोस्टिंग काफ़ी चर्चा में है। टीना डाबी प्रदीप गंवाड़े को लेकर के पहले भी तमाम चर्चाएं थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने दोनों को बड़ी पोस्टिंग देकर के बड़ा संदेश दे दिया है। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।